एक नया प्रीसपोजिशन या एक नया बिलीफ आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं, और वो है कि यू कैनॉट नॉट कम्युनिकेट। फिर से एक बार, यू कैनॉट नॉट कम्युनिकेट। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि हम कभी ऐसा होता ही नहीं है कि हम संवाद करते नहीं है। हमें ऐसा लगता है कि हम जब बात नहीं करते तो हम संवाद करते हैं, ऐसा नहीं होता। ऐसा हमको लगता है कि हम जब बात कर रहे हैं तभी संवाद हो रहा है, बात नहीं करते संवाद नहीं हो रहा। तो जब बात करते हैं तो संवाद हो रहा है, उसको बोलते वर्बल कम्युनिकेशन। बात नहीं करते तब जब संवाद हो रहा है उसको बोलते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। संवाद तो हम करते रहते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन जो है NLP मॉडल के अनुसार, वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो हमारे पूरे संवाद का 7% हिस्सा है सर, 7%। हमारी बॉडी लैंग्वेज जो है वो हमारे पूरे कम्युनिकेशन में 55% का हिस्सा रखती है। 55% हिस्सा बॉडी लैंग्वेज का है, और हमारा जो टोन ऑफ वॉइस है वो है 38%, 38%, 38% है। मतलब 7% लैंग्वेज, 55% फिजियोलॉजी, और 38% जो है वो है हमारा टोन ऑफ वॉइस। आप कल्पना करो कि आप कोई मीटिंग में बैठे हो, 10 लोगों की मीटिंग है, बैंक मीटिंग है या कोई मीटिंग है, और आपने ठहरा लिया कि मैं किसी बात नहीं करूंगा और मैं हाथ पे ऐसा पकड़ के बैठ जाऊंगा, और आप किसी बात नहीं करेंगे, क्या आप कम्युनिकेट नहीं कर रहे? जरूर कर रहे, कुछ ना कुछ तो आप कम्युनिकेट कर ही रहे हो। आपका टोन ऑफ वॉइस, समझो मेरा नाम दीपक है और मुझे मेरे माँ ने बोला दीपक इधर आओ, एक अलग उसका मीनिंग निकलता है, और मुझे बोला दीपक इधर आओ तो उसका मीनिंग अलग निकलता है। तो टोन ऑफ वॉइस के ऊपर काफी सारा कम्युनिकेशन होते रहता है। तो शब्दों में जो है वो शब्दों में बोलना बहुत कम रहता है, बाकी फिजियोलॉजी हमारी, हमारा टोन ऑफ वॉइस ये है, और हरदम हम कुछ ना कुछ कम्युनिकेट करते रहते, संवाद करते रहते हैं। तो NLP का ये प्रीसपोजिशन है कि यू कैनॉट नॉट कम्युनिकेट, दैट मीन्स यू ऑलवेज कम्युनिकेट। थैंक यू वेरी मच।